अभी तक आपने देखा मूवी स्कैनर में यान और मिस्टर उफू एक कमरे में जाते हैं। यान मिस्टर उफू का हाथ पहले से बहुत ही ज़्यादा ठीक कर देता है। दूसरी तरफ यूनियन बहुत परेशान होती है और ग्रैंडपा जाओ से बोलती है, ग्रैंडपा मिस्टर उफू यान को चोट पहुंचाएगा क्या? यान मुसीबत में है क्या? वे दोनों क्यों नहीं बाहर आ रहे? फिर उसी समय यान और मिस्टर उफू कमरे से बाहर आते हैं। मिस्टर उफू ओल्ड मैन जाओ को बोलते हैं, ओल्ड मैन जाओ यान और मैं अभी से बराबर हैं। ओल्ड मैन जाओ और यूनियन ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। वहाँ पर खड़े आदमी लोग भी ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, ये क्या चल रहा है? मिस्टर उफू यान को कातिल की नज़र से देख रहा था, अभी वो लोग दोस्त कैसे बन गए? दूसरा आदमी बोलता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, निंग ह्योटिन मिस्टर उफू का रेस्पेक्ट कर रहा था और उससे वो बहुत ज़्यादा डर रहा था और अभी यान उसका बराबरी कैसे हो सकता है? तीसरा आदमी बोलता है, मुझे लगता है कि यान संगाई सिटी में आगे चल के यान बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। दूसरी तरफ ग्रैंडपा जाओ को सभी कोई कॉन्ग्रेचुलेसन करते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेसन मिस्टर जाओ, आपका बहुत अच्छा चेला है। दूसरा आदमी बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेसन मिस्टर जाओ, यान बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। मिस्टर जाओ आप बहुत ही लक्की हो। यूनियन मिस्टर उफू को देखकर यान को बोलती है, यहाँ क्या चल रहा है? यान हंसते हुए बोलता है, मिस्टर उफू मेरे टैलेंट और स्वभाव पर फैन हो गए हैं। यूनियन गुस्से से बोलती है, मजाक मत करो मेरे से। यूनियन अपने मन में सोचती है, यान मेरे से कुछ छुपा रहा है। फिर यान मिस्टर उफू को उसके गाड़ी पर छोड़ देता है। यान बहुत थक जाता है ये सब करने के बाद और बोलता है, मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ। ग्रैंडपा जाओ यान को बोलता है, यहाँ तुम इन लोगों के साथ टच में रहना, अभी से तुम्हारा बहुत ज़्यादा दुश्मन हो जाएगा, कोई तुम्हारे साथ नहीं भी रहेगा अगर ये लोग तुम्हारे साथ होंगे तो। यान बोलता है, हाँ मास्टर। ग्रैंडपा जाओ बोलते हैं, अच्छा बहुत लेट हो गया। ग्रैंडपा जाओ यूनियन को बोलता है, मैं बहुत ही ज़्यादा पी लिया हूँ, आज तुम यान के साथ नहीं रह सकती हो, तुम्हें मुझे घर पहुँचाना होगा। यूनियन बोलती है, ग्रैंडपा मैं। उसी समय ग्रैंडपा जाओ हंसते हुए बोलते हैं, चलो यहाँ से। यूनियन यान को बोलती है, मुझे जाना होगा। यान बोलता है, यूनियन मैं। यान अपने मन में बोलता है, मैंने सोचा था कि आज यूनियन के साथ रात बिताऊंगा, क्या मिस्टर जाओ ये समझ गए थे क्या? बहुत देर हो चुका है, मुझे घर जाना चाहिए। अचानक से यान के पीछे से कोई भागते हुए जाता है। यान अपना इनर यांग पेनिट्रेशन विजन से देखता है और अपने मन में बोलता है, कोई नहीं है यहाँ पर, यह तो एक इल्यूशन है। लेकिन वो ब्लैक शैडो यान की ओर हमला कर देता है। यान भी हमला करते हुए बोलता है, कौन? उस ब्लैक शैडो के पंच के बाद यान बहुत दूर जाकर गिर जाता है। यान अपने मन में सोचता है, वो मुझे एक ही पंच में इतना दूर फेंक दिया है, ये मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन क्यों इस आदमी का सांसें इतना फूल रहा है? यान उस ब्लैक शैडो से बोलता है, कौन हो तुम? वो ब्लैक शैडो और कोई नहीं, जाओ हैंगटेन होता है। हैंगटेन उसे बोलता है, मैंने तुम्हें कुछ महीने से नहीं देखा, तुम्हारा ताकत तो बहुत ज़्यादा बढ़े जा रहा है। यहाँ जाओ हैंगटेन को देखकर बहुत खुश होता है और बोलता है, मिस्टर जाओ आपको क्या हो गया? आप इतने ख़राब हालत में क्यों हो? जाओ हैंगटेन बोलता है, मैं ठीक हूँ, चलो पहले तुम्हारे गाड़ी में चलते हैं, वहीं पर बात करेंगे। यहाँ बोलता है, आपको बुरी तरह से चोट लगी है, मैं आपको ठीक करने की कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो सके, नहीं तो इससे कल्टीवेशन पर असर होगा। यान मिस्टर जाओ हैंगटेन को सनभूमि के घर ले आता है। सनभूमि ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो जाओ हैंगटेन और यान को देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, जाओ हैंगटेन आपको इतनी चोट कहाँ से लग गई? जाओ हैंगटेन सनभूमि को बोलता है, चिंता मत करिए मिस्टर सन, मैं मरने वाला नहीं हूँ। यान सनभूमि को बोलता है, मिस्टर सन जाओ हैंगटेन को बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, मुझे अभी इसका इलाज करना पड़ेगा, प्लीज़ आप बाहर पर ही गार्ड करिए। सनभूमि बोलता है, तुम लोग अंदर जाओ, मैं यहाँ पर रक्षा करूँगा। यहाँ जाओ हैंगटेन को घर के अंदर ले जाता है और दूसरी तरफ सनभूमि अपने मन में बोलता है, जाओ हैंगटेन अचानक से वापस आ गए हैं, मुझे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा होगा, अगर कोई दुश्मन यहाँ पर आ गया उसका तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अभी। यहाँ जाओ हैंगटेन का अपने नीडल टेक्निक से इलाज कर रहा होता है, अगर मैं सिर्फ सुई का इस्तेमाल करूँ तो इससे आपका चोट और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, ब्रदर जाओ आपको पूरी तरह से ठीक करने के लिए मुझे अपना स्पिरिचुअल एनर्जी यूज़ करना पड़ेगा, इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। जाओ हैंगटेन बोलता है, यहाँ ये बहुत ही ख़राब टाइम है, मुझे जल्दी से ठीक होना होगा, मैं तुम पर छोड़ता हूँ। यहाँ सुई पर अपना स्पिरिचुअल एनर्जी यूज़ करता है। सनभूमि बाहर पर पहरा दे रहा होता है, उसी समय कोई अचानक से
वहाँ से गुजर रहा होता है। शंभू भी सावधान होकर अपने मन में बोलता है, वे लोग आ गए। वहाँ पर एक लड़की आती है और शंभू को बोलती है, मैं सोच रही थी कि जाओ हैंगटियन के पास, कोई ज़्यादा ताकतवर हेल्पर होगा, लेकिन ये तो तुम हो शंभू। शंभू बोलता है, यन्फी सेवन मास्टर टाइगर लिस्ट के। यन्फी बोलती है, शंभू तुम एक फॉर्मर मास्टर थे टाइगर लिस्ट के, जो 10 साल पहले गायब हो गया था। चलो देखते हैं तुम्हारा ताकत है कि नहीं। शंभू हंसते हुए बोलता है, चलो मैं भी देखना चाहता हूँ कि मैं सेवन मास्टर टाइगर लिस्ट को हरा पाता हूँ कि नहीं। यन्फी शंभू पर हमला करते हुए बोलती है, तुम मरना चाहते हो। शंभू बोलता है, आ जाओ तब। फिर वो दोनों अपना स्पिरिचुअल एनर्जी से एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। यहाँ ये आवाज़ सुनकर शॉक में आ जाता है और अपने मन में बोलता है, क्या कोई हमला कर दिया। जाओ हैंगटिन यहान को बोलता है, यहान इस पर फोकस करो पहले। यहान बोलता है, हाँ मैं समझ गया। यहान अपने मन में सोचता है, लग रहा है क्या वो लोग ब्रदर जाओ को खोज लिए हैं, और वो लोग बहुत ज़्यादा है शायद। मुझे जल्दी से जाओ हैंगटिन का गाँव ठीक करना होगा। दूसरी तरफ सनभूमि और यन्फी एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं। सनभूमि यन्फी को बोलता है, तुम बहुत ही मेहनत कर रही होगी सेवन मास्टर टाइगर लिस्ट में रहने के लिए, अभी लगता है कि तुम्हारा ये लिस्ट नीचे जाने वाला है। इतना अच्छा रेपुटेशन तुम संभाल के नहीं रख पाओगी यन्फी। यन्फी बोलती है, तुम कुछ सालों में बहुत ज़्यादा ही इम्प्रूव हो गए हो, लेकिन बाहर आ जाओ सब कोई। फिर तीन आदमी लकड़ी लेकर बाहर आ जाता है। सनभूमि उन तीनों को देखकर घबरा जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं, इन तीनों के पास इतना ताकत है कि ये लोग टाइगर लिस्ट में जा सकते हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं इन लोगों को देखा। यन्फी बोलती है, शंभूमि तुम बहुत सालों तक जिए हो बूढ़े कमीने कहीं के, मुझे अफसोस होता है कि अब तुम नहीं रहोगे। टियोस एसोसिएशन को कोई मतलब नहीं है तुम्हारे टाइगर लिस्ट के नाटक से, जाओ हैंगटिन को हमें सौंप दो, मैं तुम्हारे जान बख्श दूंगी। शंभूमि हंसते हुए बोलते हैं, मैं अपने भाइयों लोग से गद्दारी नहीं करूंगा, तुम जाओ हैंगटिन को मेरे मरने के बाद यहाँ से ले जा सकती हो। यन्फी उन तीनों को बोलती है, मार डालो इसे। शंभूमि अचानक से यन्फी पर हमला कर देता है और वो तीनों शंभूमि पर हमला करने वाले होते हैं। तभी कोई उसी समय सभी को मार गिरा देता है। शंभूमि देखता है, ये तो ब्रदर जाओ है। जाओ हैंगटिन उन लोगों से बोलता है, तुम लोग अभी बच्चे हो मेरे सामने, ओल्ड मैन सन, अब मुझ पर छोड़ दो ये सब। शंभूमि बोलता है, ठीक है। यहाँ शंभूमि को देखकर बोलता है, शंभूमि आप ठीक हो। शंभूमि यान को बोलता है, तुमने जाओ हैंगटिन को इतने कम वक्त में कैसे ठीक कर दिया। यहाँ हंसते हुए बोलता है, मैं लक्की था। शंभूमि बोलता है, इसके पास बहुत ज़्यादा रहस्य है। यहाँ शंभूमि को बोलता है, ये मेरा पहला टाइम है जब मैं ब्रदर जाओ को एक्शन करते हुए देखूंगा, चलिए इस बैटल को साथ में देखते हैं। शंभूमि बोलता है, हाँ हम लोग इसका फाइट देखकर बहुत ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं। यन्फी जाओ हैंगटिन को ठीक देखकर शॉक में आ जाती है और बोलती है, जाओ हैंगटिन तुम ठीक हो गए। जाओ हैंगटिन बोलता है, आओ आकर देख लो। यन्फी बोलती है, मुझे पता है कि तुम्हें कितना सीरियस चोट लगा है, तुम्हारी बकवास सी बातें मुझे डरा नहीं सकती है। फिर वो लोग जाओ हैंगटिन पर हमला कर देता है। जाओ हैंगटिन हंसते हुए बोलता है, मेरा कोई इरादा नहीं है तुम लोग को आज जिंदा छोड़ना, तो मरो फिर। यन्फी अपने मन में सोचती है, अगर जाओ हैंगटिन ठीक होता तो मेरे अटैक को वो खाली हाथ से ही रोक लेता है, लेकिन वो अभी ठीक नहीं है। यन्फी फिर जाओ हैंगटिन पर हमला कर देती है, लेकिन जाओ हैंगटिन उसके अटैक को खाली हाथ से ही रोक लेता है। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। जाओ हैंगटिन उसी के वेपन से उसी के बूफ्स में डाल देता है। फिर जाओ हैंगटिन यन्फी के सारे आदमी को मार डालता है। यन्फी जाओ हैंगटिन को बोलती है, तुमने अपना ताकत कैसे वापस पा लिया, ये कैसे हो सकता है। जाओ हैंगटिन बोलता है, मेरे पास एक अच्छा भाई है, जबकि तुम अपने अगले जन्म में सही से जीना और धोखाधड़ी किसी से करना मत। फिर जाओ हैंगटिन उसके बुक से उसका वेपन निकाल देता है और यन्फी वहीं पर मर जाती है। शंभूमि यान को बोलते हैं, तुम्हें पता है क्या जाओ हैंगटिन का मूव्स इतना अच्छा क्यों लग रहा है। यान शंभूमि को बोलता है, ये बहुत ही ताकतवर है और उसका पंच एक ही बार में चारों को मार डाला। शंभूमि बोलता है, नहीं तुम गलत हो, वो एक बार में चार पंच मार रहा था लगातार। पहला पंच यन्फी का सारा फोर्स में लगा दिया, दूसरा पंच यन्फी के स्टील के वेपन को तोड़ने में लगा दिया, उसके चार टुकड़े कर दिए, तीसरा पंच चारों टुकड़ों को चारों के सीने में डालने में लगा दिया और चौथा पंच से चारों को मार डाला। यहाँ ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, एक नॉर्मल पंच इतना ताकतवर हो सकता है क्या। शंभूमि बोलता है, इन पंच के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इसे कंट्रोल भी करना बहुत मुश्किल होता है, अगर हल्का सा भी गलती हो जाए इसमें
तो तुम्हारी जान जा सकती है। अभी तक मैंने इस सेकंड पंच पर मास्टर नहीं कर पाया हूँ। जाओ हैंगटियन, सन भूमि को बोलते हैं, ओल्ड मैन सन, तुम्हें बहुत चोट लग गई है, अब तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। सन भूमि बोलते हैं, ठीक है, तुम दोनों एक दूसरे को बहुत दिनों के बाद मिले हो, तुम लोग को बहुत बात करना होगा, मैं आराम करने जाता हूँ, तुम दोनों बात करो। जाते हुए सन भूमि बोलते हैं, मैं बूढ़ा और बूढ़ा होते जा रहा हूँ, मुझे डर है कि मैं जाओ हैंगटियन के कल्टीवेशन लेवल तक पहुँच पाऊँगा कि नहीं, इस जन्म में लगता तो नहीं है। फिर सन भूमि वहाँ से चला जाता है। जाओ हैंगटियन यान को बोलता है, मैं यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुक पाऊँगा। यान यान जाओ हैंगटियन को बोलता है, हाँ, क्या तुम्हारा और कोई प्लान है ब्रदर जाओ? जाओ हैंगटियन बोलता है, अच्छा, मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा अपने इलाज के लिए, और साथ ही साथ यूयो को भी देख लूँगा। जब यन्फी और कुछ लोग टियोस एसोसिएशन से मुझे मारने के लिए संगाई आए हैं, तो आज मुझे लगता है कि और भी लोग मुझे मारने के लिए आए होंगे। मैं यहाँ पर और नहीं रुक सकता हूँ, नहीं तो तुम लोग मुसीबत में पड़ जाओगे। यान गुस्से से बोलता है, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? ब्रदर जाओ, हम भाई हैं। अगर मुझे मरने से डर लगता तो मैं अपने लाइफ को रिस्क में रखकर योयो को नहीं बचाता। जाओ हैंगटिन हाथ हिलाते हुए बोलता है, नहीं नहीं, तुम समझे नहीं यान, जो मुझे घायल किया वो हुआ टांजियन नहीं है, लेकिन वो अपने एसोसिएशन का राजा है, उसका ताकत मेरे से भी ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पर रहूँगा तो सभी को मारे जाओगे। तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, जब समय आएगा तुम हीरो को लीड करोगे और तुम्हारा एक ताकतवर टीम होगा, लेकिन मैं, यहाँ गुस्से से बोलता है, तुम गलत हो ब्रदर जाओ, जब हम मुसीबत को फेस करेंगे तभी हम लोग ताकतवर बनेंगे, तुम्हें पता ही है मेरा हालत तुमसे भी बड़वा था। मैं तुम्हें बचाने के लिए टियोस एसोसिएशन को भी मारने के लिए तैयार हूँ, वो लोग मुझसे बदला लेना चाहते हैं क्योंकि मैं उनके आदमियों को कुछ दिन पहले ही मार डाला हूँ। जाओ हैंगटिन ये सुनकर घबरा जाता है और बोलता है, तुम? यहाँ बोलता है, ब्रदर जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ, हम लोग डर कर भागेंगे नहीं, चाहे जो भी हो जाए, हर मुश्किल का कोई हल होता ही है, चाहे वो टियोस एसोसिएशन हो या ब्लड एंड हॉल, अगर वो लोग हमारे रास्ते में आए तो वो लोग मारे जाएंगे। जाओ हैंगटिन बोलते हैं, अच्छा, अगर ऐसा बात है तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा, हम लोग साथ में ये मुसीबत का हल निकालेंगे। याद हंसते हुए बोलता है, हाँ ये बात हुई ना। जाओ हैंगटिन बोलता है, चलो जाकर पीते हैं और जश्न मनाते हैं। फिर वो दोनों एक सामने के रेस्टोरेंट में पीना स्टार्ट कर देते हैं। जाओ हैंगटिन बोलता है, यहाँ जब हमने सोच लिया है कि हम लोग साथ में मिलकर टियोस एसोसिएशन को हराएंगे, हम लोग को तैयार हो जाना चाहिए, ये बहुत अच्छा होगा कि हम लोग एक मास्टर के ग्रुप को रख ले, नहीं तो हम टियोस एसोसिएशन और ब्लड हैंड हॉल को अकेले नहीं हरा पाएंगे। और अब मैं साउथ वेस्ट किंग नहीं रहा, क्योंकि मैं अकेला और कमजोर रहा हूँ, इसलिए मुझसे साउथ वेस्ट किंग का टाइटल छीन लिया गया। रियान बोलता है, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसमें, क्या तुमको कोई आइडिया है ब्रदर जाओ? जाओ हैंगटिन बोलता है, ये बहुत ही आसान है, हमें बहुत सारा पैसा चाहिए। यहाँ ये सुनकर बोलते हैं, पैसा? तुमने सही आदमी को खोजा है ब्रदर जाओ, मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन पैसा बहुत है। जाओ हैंगटिन बोलता है, हमें बॉडीगार्ड सर्विस स्टार्ट करना होगा, जिससे हम बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी को बचा सकते हैं, इससे हमारी स्टाफ लोग को उसी समय ट्रेन भी कर लेंगे। यान बोलता है, लेकिन इतने कम वक्त में इतने सारे मास्टर कहाँ से लाएंगे हम लोग? जाओ हैंगटिन यान को एक पेपर देखकर बोलता है, इसे देखो। यान उसे देखकर शॉक्ड होकर बोलता है, क्या ये फॉल्स प्रिस्क्रिप्शन है? जाओ हैंगटिन बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, पहले मैंने जिंगिंग गेट से ये चोरी कर लिया था, ये फॉल्स प्रिस्क्रिप्शन बहुत लोग चाह रहे थे, इतने सालों के बाद भी ये लोग मुझे खोज रहे हैं, और जैसे ही वो लोग मुझे खोज लेंगे तो मुझे मार डालेंगे। यान खड़ा होकर बोलता है, ओह मैं समझ गया, ये बहुत अच्छा है, इससे मैं पेगुन रियल मास्टर सीख सकता हूँ, और फिर मैं एक्यूपंचर टेक्निक सीख सकता हूँ, इससे हम लोग एक साल में ही मास्टर कल्टीवेशन कर सकते हैं, जिसके बाद हम लोग को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं होगी। मुझे अभी याद आया, जब यन्फी और दूसरे लोग तुम्हारे लोकेशन को देख लिया है, हमें सोने के लिए कोई और जगह खोजना होगा। जाओ हैंगटिन बोलता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी यन्फी मुझे मारना चाहती थी और सारा क्रेडिट अपने पर लेना चाहती थी, इसलिए वो किसी और को नहीं बोली होगी कि मैं कहाँ पर रहता हूँ, तो मैं अभी के लिए सुरक्षित हूँ। यान बोलता है, ठीक है चलो काम पर चलते हैं। दूसरी तरफ ब्लड हैंड क्वार्टर के अंदर एक आदमी खड़ा होता है और वो दूसरे लोगों से बोलता है,
जो हेडक्वार्टर में है। आयरन हैंड मरा हुआ संगाई में मिला। तुम लोगों में से कौन ये पता करेगा कि वहाँ पर क्या हुआ? उसमें से एक आदमी बोलता है, ये कमीना किसी का रेस्पेक्ट नहीं करता है, यहाँ तक कि हॉल मास्टर का भी नहीं। फाइनली उसे कोई मिल ही गया जो उसे मार डाला। फिर दूसरा आदमी उसे बोलता है, जो आयरन हैंड को मारा है उसे इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहिए, वो हमारा आदमी था। फिर वो दूसरे आदमी को बोलता है, मैं संगाई में जाऊंगा। वहाँ पर खड़े लोगों में से एक आदमी बोलता है, मेरे पास बहुत खाली समय है, मैं संगाई में जाऊंगा। फिर दूसरा आदमी बोलता है, मुझे जाने दो, मैं कुछ ही दिन पहले पाम मेथड पर मास्टर कर लिया हूँ और मैं चाहता हूँ किसी पर इस्तेमाल करना। फिर वहाँ पर एक आदमी आकर बोलता है, लड़ना बंद करो तुम लोग। और वो लोग उसे देखकर बोलते हैं, यंग हॉल मास्टर, उसे मरना ही होगा जो ब्लड हैंड हॉल का विरोध करेगा। और दूसरी तरफ यान अपने घर में, यान फॉल प्रिस्क्रिप्शन में मास्टर करने की कोशिश कर रहा था और अपने मन में बोल रहा था, इस फॉल प्रिस्क्रिप्शन में इस तरह की औषधि है जो आराम से नहीं मिल सकता, मुझे लिन और ओल्ड मास्टर जाओ से पूछना पड़ेगा इसके लिए। उसी समय टैंक का कॉल आता है और यान अपने मन में बोलता है, वो मुझे क्यों कॉल कर रहा है, वो डायरेक्ट मुझसे मिल लेना चाहिए था। यान फोन उठाकर बोलता है, हेलो ब्रदर टैंक। टैंक चिल्लाते हुए बोलता है, यान मुझे बचा लो, मुझे कुछ लोग मार रहे हैं, जल्दी से आओ वही कैफे में और मुझे बचा लो। यान उस कैफे के लिए जल्दी से भागता है और टैंक को बोलता है, रुक जाओ ब्रदर टैंक, मैं जल्दी वहाँ पहुँच जाऊँगा। यान बोलता है, टैंक पर हमला क्यों हो गया, या ब्लड हैंड के लोग चुपके से उस पर हमला कर दिया क्या? कैफे के अंदर एक आदमी टैंक को मारते हुए बोलता है, ए मोटे और मुझ पर जूता फेंक कर दिखाओ, अभी बहुत गोटी आ गई है ना तुम्हारे, मैं तुम्हें मार डालूंगा आज। टैंक उससे बोलता है, सैन टेनियो, यान कभी भी यहाँ पर आने वाला है और फिर वो तुम्हें अच्छा सबक सिखाएगा, अगर वो आ गया तो मैं उसे भी मार डालूंगा। तुम्हें नहीं दिख रहा वो मुरंगजू है, यंग मास्टर साउथर्न मुरंग फैमिली का, उनके नज़र में यान कुछ भी नहीं है, एक चीटी है जो कभी भी मसला जा सकता है। फिर वो आदमी बोलता है, सेंटियोनो मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला हूँ, नॉर्थ वेस्ट किंग ऑफ मेडिसिन, लेकिन तुमने जो दुश्मन बताया था वो अभी तक आया नहीं है यहाँ पर, मुझे बहुत ख़राब लग रहा है, तुम समझ रहे हो ना? सैन घबराते हुए बोलता है, हाँ यंग मास्टर्स जीव, मैं समझ गया। सैन टैंक को बोलता है, तुम यहाँ को दोष देना कि वो इतना लेट क्यों आया, और यंग मास्टर को नाराज करने के लिए मोटे कहीं क्या? टैंक घबराते हुए बोलता है, अब तुम क्या करने वाले हो? सैन लकड़ी उठाकर बोलता है, अब अपने पाँव को अलविदा बोल दो। उसी समय यान वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, रुक जाओ। वो पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है, यान। टैंक खुश होकर बोलता है, यान। यान गुस्सा होकर सैन को बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर हमला करने के, मरो तुम। यान उस पर एक जोर सा मुक्का मारता है और वो सीधा जाकर दीवार पर टकरा जाता है। यान टैंक को उठाकर बोलता है, ब्रदर टैंक तुम ठीक हो ना? टैंक बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। जो कमीना वहाँ पर बैठा हुआ है वो यंग मास्टर है साउथर्न मुरंग फैमिली का, यहाँ वो बहुत ही ताकतवर है, वो सैन का बदला लेने यहाँ पर आया है, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। यहाँ हंसते हुए बोलता है, चिंता मत करो, संगाई मेरा इलाका है, यहाँ पर जो भी आएगा उसे सही से रहना होगा। सैन जीव को बोलता है, यंग मास्टर जीव, आपको मेरा बदला लेना होगा। जीव यहाँ को बोलता है, यान किसी कुत्ते को मारने से पहले ये देख लेना चाहिए कि इसका मास्टर कौन है। सैन टियानो हमारा आदमी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नाराज करने की? यान बोलता है, तुम अपने आप को समझ क्या रहे हो, मैं तुम्हारा रेस्पेक्ट क्यों करूं? सैन गुस्से से बोलता है, तुम? सैन के बॉडीगार्ड ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, ये बच्चा पागल है, ये मास्टर जीव को बुरा भला कहा। दूसरा आदमी बोलता है, इसे मुरंग फैमिली नहीं पता कि कौन है वो, ये साउथ मार्शल आर्टिस्ट के लीडर है, उसकी बात की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तीसरा आदमी बोलता है, ये कमीना कहीं का अपने आप को बहुत ज़्यादा समझ रहा है, ये संगाई को छोड़कर सभी कंट्री को नीचा समझ रहा है। जियो गुस्से से बेंच पर मारते हुए बोलता है, ओल जैन इस बच्चे को मार डालो। ओल जैन बोलता है, मैं समझ गया यंग मास्टर। फिर वो चाकू निकालते हुए यान को बोलता है, ज़्यादा बकवास मत करो जवान लड़के, आज तुम्हें पता चलेगा कि कोई ऐसा लोग होता है जिसे नाराज नहीं करना चाहिए। यहाँ उस चाकू को देखकर शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है, ये ब्लेड तो क्या वो ये? यहाँ उससे बोलता है, सर क्या आप
जैन डाउ हो जो टाइगर लिस्ट में 17 लिस्ट में था उन्हें किलिंग लेजेंड भी बोलते हैं। जैन डाउ हंसते हुए बोलता है, हाँ मैं वही हूँ, जबकि तुम्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो मुझसे मत लड़ो बच्चे, मैं तुम्हें एक आराम सा मौत दे दूंगा। जियो के बॉडीगार्ड में से एक आदमी बोलता है, ये बच्चा तो मरने वाला है, ओल्ड जैन से फाइट करेगा तो। दूसरा आदमी बोलता है, ओल्ड जैन टाइगर लिस्ट में एक मास्टर था, मैं ये शर्त लगा सकता हूँ कि ये बच्चा इसका एक भी वार नहीं रोक पाएगा। तीसरा आदमी बोलता है, जो मुरुंग फैमिली को नाराज करेगा वो जिंदा नहीं रहेगा। यान हंसते हुए बोलता है, अब तुम वो किलिंग लेजेंड नहीं रहे, अब तुम कुछ भी नहीं, एक बेकार सा नौकर हो, जबकि तुम्हारा मार्शल आर्टिस्ट स्पिरिट चला गया है, मैं तुम्हें आराम से मार दूंगा एक ही वार में। जैन यान पर हमला करते हुए बोलता है, भाड़ में जाओ तुम। यान भी अपना स्पिरिचुअल एनर्जी से उस पर हमला करते हुए बोलता है, वो तुम हो जो कि मरने वाला है। जियो के बॉडीगार्ड ये सब देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, ये बच्चा तो बहुत ताकतवर निकला, ये सही में ओल्ड जैन से लड़ पा रहा है। फिर यान अपने चाकू से ओल्ड जैन का चाकू तोड़ देता है और फिर अपने चाकू से उसे काट देता है। ओल्ड जैन बोलता है, ये नामुमकिन है, और फिर वो वहीं पर मर जाता है। जियो के गार्ड ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है। उसमें से एक आदमी बोलता है, मैं सपना देख रहा हूँ क्या, ये बच्चा उसे एक ही वार में हरा डाला। दूसरा आदमी बोलता है, ओल्ड जैन इसका कोई मैच नहीं था, अगर हम लोग इससे लड़ने गए तो हम लोग मारे जाएंगे। फिर तीसरा आदमी बोलता है, शंघाई में इतना ताकतवर आदमी कहाँ से आ गया। फिर वो लोग वहाँ से भाग जाता है। जियो घबराते हुए यान को बोलता है, ओल्ड जैन तो टाइगर लिस्ट का मास्टर था, कैसे तुम्हारे जैसा इंसान उसे हरा सकता है। दूसरी तरफ जैन वहीं पर पड़ा हुआ होता है और अपने मन में बोलता है, यहाँ तक कि जियो भी यान का कुछ भी नहीं कर पाया, ये अच्छा रहेगा कि मैं बेहोश होने का नाटक करूं। उसी समय टैंक सैन का हाथ दापते हुए बोलता है, क्या हो गया, तुम्हें और मुरुंग को बहुत ज़्यादा भाव खा रहे थे ना, क्या हो गया, तुम लोग इतना डरपोक क्यों हो गए जब यान यहाँ पर आ गया है तो। यान जियो को बोलता है, तुमने तो कहा था मुझे मारोगे। जियो घबराते हुए यान को बोलता है, तुम्हें क्या चाहिए, मैं मुरुंग फैमिली का यंग मास्टर हूँ, तुम बहुत ही मुसीबत में पड़ जाओगे अगर तुम मुझे टच भी करोगे तो। यान उसे थप्पड़ मारते हुए बोलता है, मुरुंग फैमिली, हाँ, उसके पेट में मारते हुए बोलता है, मेरे सामने ज़्यादा बकवास करोगे, और ये रहा तुम्हारा गिफ्ट, ज़्यादा बकवास करने के लिए कमी ने कही के। जियो एक दीवार में जाकर टकरा जाता है। यान बोलता है, प्रॉब्लम अब खत्म हो गया। यान बोलता है, चलो चलते हैं ब्रदर टैंक। टैंक बोलता है, शुक्रिया तुम्हारा यान, मेरे पास कुछ नैंगविन चिनकुन कॉन्सर्ट का कुछ टिकट है, यूनिट के साथ मैंने कल वो टिकट लेने गया था। यान बोलता है, नैंगविन चिकसुन, ये सुना हुआ नाम लग रहा है। टैंक बोलता है, वो सबसे हॉटेस्ट स्टार है अभी की, ये मत बोलो कि तुम उसे नहीं जानते। जियो जमीन में पड़े हुए बोलता है, यहाँ मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं इसके बाद।